काम शुरू किया है। इस वीडियो के बाद आप देखेंगे, मैं उनका लिंक भी डाल दूंगी, उनका पोस्टर भी डाल दूंगी और उनका पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल भी मिलेगी। पहले फर्स्ट टाइम मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है और उनका ये जोमेटो और स्विगी पर भी अवेलेबल है, तो आप मंगाइएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा। पहले हम करते हैं इसे कि कैसा है। ओके रेडी, द पिज्जा हाउस के नेम से है मेरी फ्रेंड का जो ये है द पिज्जा हाउस, और निधि आहूजा मैम का है, तो कई लोग तो जानते भी होंगे उन्हें, तो प्लीज जरूर मंगाइएगा। गरम है, उल्टा पकड़, हमने उल्टा तो नहीं कर दिया, नहीं तन में ये चीज दिख रही है इसके अंदर, वो चीज है। और दूसरा अनियन, वाव। अब इसे हम रेडी करते हैं फ्लेवर सिजलिंग डाल के, पर डाल रही हैं बच्चे अपने चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। ओहो, तन्मय की तो स्टाइल में ही हर चीज होती है, हर चीज। और स्मेल इतनी प्यारी आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, बाद में पूरा मुझे ही साफ करना पड़ेगा। हाँ, सफाई तो करनी पड़ेगी। अच्छा, तो वैसे ही डाल लेता। और यकीन मानिए बिल्कुल गरम गरम है। हाँ। बाहर हो रही है बारिश। बारिश में, हाँ, तो बाहर बारिश हो रही है और हम अंदर खा रहे हैं पिज्जा। रेडी है बंटवारा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा। भैया मुझे तो मेरा दे दो पहले, मैं तो बैठ कर अलग। वाओ चीज, यम्मी। आई वांट ओनली टू, मम्मी को दोनों फ्लेवर दे दिए। हाँ बट तीन पीस हो गए बेटा, आई वांट ओनली टू पीस। अच्छा ये मेरा है, ओ मैं सोच ली प्लेट में, मुझे बड़ी आप ये ले रहे हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं डिब्बे में ले लूँ। नो इट्स ओके, ठीक है। हाँ ओके ओके ओके, और ये ठीक है, और ये मेरा हो गया है। और खाकर मुझे जरूर बताना, ठीक है। यस यस, मैं तो यही हूँ। हाँ हाँ, आप तो यही हैं, आपसे कंट्रोल हो भी नहीं रहा होगा। वाओ, नहीं आप खाइए। और ये तन्मय ने, बहुत सही है, टेस्टी। और सबसे बड़ा ये होममेड है, है ना। मैम ने अपने घर से शुरू किया है ये काम, और इसमें जितने मसाले हैं, जितने भी फ्लेवर, सब कुछ वो अपने घर का ओरिजिनल यूज़ कर रही हैं। और खाकर बताओ, बहुत बढ़िया है। अपने सब फ्रेंड्स को रेकमेंड करना आप भी, ठीक है। नाउ माय टर्न। निधि मैम बहुत ही टेस्टी है, सॉफ्ट है। मोस्टली जब हम मार्केट से मंगाते हैं वो हार्ड होता है चबाने में, बहुत सॉफ्ट है। क्रस्ट भी अच्छा है इसका, बहुत जूसी वो होता है ना, पूरा टेस्ट आ रहा है। जरूर ट्राई कीजिए, आप सब लोग भी मंगाइए द पिज्जा हाउस। वीडियो के एंड में आपको पूरा डिटेल विद एड्रेस मिलेगा, और आप सब लोगों के सहयोग से ही होते हैं ये सब काम, है ना। तो टीम बनेगी, कभी कोई आगे बढ़े, कभी कोई आगे बढ़े, और एक दूसरे को सपोर्ट करना ही करना है। टेस्टी, जल्दी करो मुझे भी खाना है। बढ़िया, ये दोनों भाई आज रसोई में मिलकर मेले रोटी बना रहे हैं। तन मैंने इंडिया का नक्शा बनाया, आप अर्थ का पूरा ग्लोब बना दो बेटा। मेरे लिए रोटी बनकर आ रही है, और दोनों भाई लगे हुए हैं। ओके, 3D रोटी बना दो, तुम्हारा जो इच्छा हो वो बना दो। और आज मेरे दोनों बाल गोपाल येलो येलो टी शर्ट्स में हैं। वाओ, बहुत बढ़िया, सब वेरी शाबाश। हाँ जिससे दे, ये सही है। देखिए रोटी बनकर आएगी अब हमारे पास। लो भैया, अब इसके हाथ गंदे हो गए। अंश ने अपने हाथ उसकी टी शर्ट से साफ कर लिए। चाय भी पियेंगे अगर आप हमें पिलाएंगे तो। बेटा दूध रसोई में ही रखा हुआ है।
एक रसगुल्ला था वो भी खत्म। ये आटा अपने मुंह पर लगाकर ऐसा दिखा रहा है कि जैसे काम कर कर के थक गया है, और रोटी के साथ मेरे को चाय बनाकर देगा मेरा लाल बड़ा, और रोटी बनाएगा छोटा मेरा पीला, तो इसलिए मेरे लाल और पीले लगे हुए हैं। अब आपको मैं बताऊं तो शाम के बज रहे हैं 5। बर्तन मैं धो दूंगी प्रभु, चाय का बर्तन है वहाँ पर। अरे भैया एक संडे और इतने काम। हाँ मतलब तवे पर रोटी डाल दी, गैस जला नहीं रखी। वाह अच्छा गैस ऑन है, लाइटर यूज नहीं कर रखा था। वाह आवाज आ रही, मतलब तुम्हें गैस की स्मेल नहीं आ रही गैस की तन में बेटा। रोटी ये लास्ट रोटी मुझे मैं खाऊंगी क्या, तुम्हारे हाथ की बनी हुई ध्यान रखा करो। अंश तू बीच बीच में आकर क्यों सीरियस लुक दे रहा है, अब पता नहीं कहाँ चला गया ये भी अपने मतलब से ना, एकदम स्टाइल मारता है बीच में आकर लड़का। भूख लग रही है, थैंक यू। ओह पसीने, बारिश के मौसम में ऐसे पसीने, थैंक यू। ऊपर वाली तूने बनाई है दिखाना, रोटी के अंदर अरे शेप पता नहीं कौन सी शेप की रोटी है। ये वाली देख, अच्छा ये नीचे वाली भाई की है। वाह ये गोल गोल है, अंदर घी मैंने निकाला सारा। हाँ गोल रोटी है, रोटी टेस्ट करो। रोटी टेस्ट करूँ? ओह ये हमारे वो कुक हैं जो पहले खुद खाते हैं, पहले खुद भोग लगाते हैं, फिर ये दूसरों को देते हैं खाना खाने। तो इन्होंने खुद ही रोटी बनाकर अपने मुंह में डालकर, भाई वाले मैंने पहले कहा क्योंकि मुझे पता मेरी कैसी होगी। रोटी तो रोटी होती है, बढ़िया बनाई है। चलिए ठीक है देखते हैं, कह रहा बढ़िया बनाई है मैंने, जहर एकदम, अब खाऊं ना खाऊं, जहर बोल दिया इसने। अंश पहले, अंश इसका कुछ ना मुझे सही नहीं लग रहा, इसने पहले गैस ऐसे ही ऑन कर दिया, जलाया नहीं और रोटी बनाने लगी, मतलब गैस लीक होती रही किचन में, अब रोटी बना कर लाया, अब कह रहा जहर एकदम, तो मैं क्या करूं खाऊं ना खाऊं। हमें पैसे दे दो, मैगी वैगी ले आओ। मैगी की क्यों बात हो गई है, इधर इधर से कैसे आटा वाटा लगाया तुमने, अपने लिए क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मम्मी यार बस समझ जाओ, दूसरों को खिलाकर जो खुशी मिलती है ना, ओके हम पैसे लेते हैं उससे पेट नहीं भरता। आज ऑलरेडी बेटा पिज्जे का पैसे दे चुकी है तुम्हारी माँ, पिज्जा खा चुके हैं आप, है ना अंश? अंश चुपचाप तवा जला कर खड़ा हो गया, अंश को पता चल गया माँ नहीं देगी, अंश ने तवा जला लिया और अपने लिए रोटी बनाने लग गया। भाई मेरे लिए दो चल तेरी एक मेरी एक, बांटने से प्यार बढ़ता है, समझो मम्मी, बांटने से प्यार। अब मैं तुझे इसमें से बांटूं? नहीं नहीं आप खाओ खाओ। किटी पी लो दूधू, हम तुम्हें दूध देंगे, तुम हमें चूहों से आजादी देना। नजर इसकी चौकन्नी है, चौकन्नी। अरे भैया भर गया पेट, ओहो डाइट वाली है बिल्ली भैया, डाइट वाली। लेकिन म्यामो बिल्ली आपने एक भी चूहा नहीं पकड़ा है, आप बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही हैं चूहा पकड़ने में, आप आती हैं दूध पीती हैं म्याऊं म्याऊं करती हैं और चली जाती हैं, ऐसे नहीं बात बनेगी। यू आर फायर। कहाँ देख रही हो अब, इधर बात करो। देख रही हो उधर से कि शायद अंश मुझे अंदर ले ले, अंदर आना है, चूहा एक भी नहीं पकड़ा है आपने। अब घूम रहे हैं मम्मी और क्या, अभी दो और घूम रहे हैं, 6 चूहे। क्या बात है, या तो हम इसका पेट भर दे रहे हैं ना दूध पिलाकर और वो दूध रोटी खिलाकर, तो इसलिए चूहों में इसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है।